तो आज हम जाने वाले हैं पुणे के बहुत ही ज़्यादा फेमस दगड़ूशेठ मंदिर में, ताकि हम ये देख सकें कि यहाँ पे गणेश चतुर्थी की जो तैयारी है वो कैसी शुरू है, क्योंकि यहाँ का जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, साथ ही में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी कुछ दिन बाकी है और कुछ दिन पहले जाने में अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि इसमें हमें रॉ देखने को मिलता है कि कैसे जो डेकोरेशन है वो किया जा रहा है। तो चलिए गाइस जाते हैं और देखते हैं कि कैसा जो डेकोरेशन है वो इस साल किया जाने वाला है दगड़ूशेठ मंदिर के पास। तो अभी हम गाइस पहुंच चुके हैं दगड़ूशेठ मंदिर के पास। जो मंदिर है वो उस साइड है, जैसे आप देख सकते हो उस साइड जो है वो मंदिर है, और जब गणेश चतुर्थी शुरू होती है तो वहाँ की जो मूर्ति है वो यहाँ पे शिफ्ट होती है, और यहाँ पे अभी जो डेकोरेशन प्रोसेस है वो शुरू है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा जो डेकोरेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, और अभी तक जो सारी चीज़ें हैं वो हुई नहीं है अच्छे से, बहुत सारा जो काम है वो बाकी है, और कुछ ही दिनों में सारा जो काम है वो हो जाएगा, और फिर उस मंदिर की जो मूर्ति है वो यहाँ पे शिफ्ट की जाएगी 10 दिनों के लिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे सजाई जाती है। ये पूरा आप जो रोड देख रहे हो यहाँ पे सारी लाइटिंग लग जाती है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। अगर हम उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो स्टॉल्स है वो देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हमें फूल मार्केट भी देखने को मिलता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे, पहले अंदर का जो डेकोरेशन है वो देखते हैं कि कैसा कर रहे हैं। तो इस साल का जो डेकोरेशन है गाइस बहुत बड़ा रहने वाला है, ये तो आप देख ही सकते हो। काफ़ी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे हो रही है, और अभी तक मतलब 25% भी वर्क नहीं हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे शुरू है और काफ़ी सारा जो काम है वो बाकी है, बट जितना भी हुआ है इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि इस बार का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही बड़ा रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही में आप देख सकते हो जो प्लेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो रही है। साथ ही में जो पिलर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं इसके ऊपर भी हमें काफ़ी सारी जो मूर्तिज़ वगैरह वो देखने को मिल रही है, जिससे ओवरऑल जो पंडाल है इसको बहुत ही बढ़िया सा एक जो लुक है वो आ रहा है। और जब गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो जाएगी तब हम यहाँ पे वापस आएंगे और तब देखेंगे कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और जब आप यहाँ पे गणेश चतुर्थी के टाइम आओगे तो पूरी जो स्ट्रीट्स है वो लाइटिंग से भरी हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ का भी जो नज़ारा है वो देखने लायक रहता है। बहुत ही बढ़िया सा जो डेकोरेशन है वो किया जाता है यहाँ पे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट जितना भी किया है काफ़ी बढ़िया लगा है। जैसे ये कम्प्लीट वगैरह होगा तो फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि कैसा इस साल का जो डेकोरेशन है वो किया जाता है। अभी तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट है, बट जितनी भी है काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो जितना डेकोरेशन यहाँ पे हुआ है गाइस उतना तो मैंने आपको दिखा दिया, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम वापस यहाँ पे आएंगे और पूरा देखेंगे। और यह है गाइस दगड़ूशेठ जी का मेन मंदिर, जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आ सकते हो। पूरे पुणे में गाइस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बाहर से भी लोग यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही फेमस है और काफ़ी माना जाता है पूरे पुणे में। ज़्यादा अलाउड नहीं था यहाँ पे वीडियो बनाना, तो जितनी भी क्लिप्स आई है वो आप देख लीजिए। तो डेकोरेशन और जो मंदिर है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, और अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप पुणे स्टेशन या फिर शिवाजी नगर स्टेशन पे उतर सकते हो। वहाँ से अगर आप ऑटो करते हो तो आपको इजीली ऑटो वाला छोड़ देगा, या फिर बस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। शनिवार वाड़े के पास ही आपको दगड़ूशेठ का जो मंदिर है वो थोड़ा आगे देखने को मिल जाएगा, तो शनिवार वाड़ा पे भी जो बस है वो आती है तो वो आप पकड़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट स्टेशन से ऑटो लेके डायरेक्ट भी आप यहाँ पे जो है वो पहुँच सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्लेस है गाइस, अगर आप पुणे में आते हो तो ज़रूर विजिट करना। और जो मेन वीडियो है वो जल्दी आने वाला है, जैसे ही गणेश चतुर्थी शुरू होती है तो वापस हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि ओवरऑल जो डेकोरेशन है वो कैसा किया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, होप्स आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे।